अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये नाज़रीन, ये सियालकोट की मारूफ़ मशहूर फैक्ट्री है, फारूक फैक्ट्री, जहाँ पर ये फुटबॉल तैयार होते हैं और वर्ल्ड कप में हमेशा ये बाल सेलेक्ट होते हैं। भाई अब्दुल मलिक फरीद साहब की इस वीडियो को तवज्जो से देखें। फुटबॉल दुनिया की नंबर वन गेम है और दुनिया की नंबर वन गेम की बॉल प्रोड्यूस करने वाली ये सरजमीन है सियालकोट। सियालकोट में हम लोग उस फैक्ट्री में आज जाएंगे जहाँ पर फुटबॉल बनती है। फीफा वर्ल्ड कप अभी हुआ था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, खैर मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है। वो वाली फुटबॉल की फैक्ट्री जाकर देखेंगे जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा फुटबॉलें बनती हैं और ख़ास तौर पे फीफा वर्ल्ड कप की बॉल जहाँ से प्रोड्यूस हुई है। उसके अलावा दुनिया में 210 फुटबॉल की टीमें हैं जो इंटरनेशनल खेलती हैं, उनमें पाकिस्तान का रैंक 200 पे है। In this beautiful day, you have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you for a wonderful day. 1970 से लेकर पहला वर्ल्ड कप, 1970 फिर 74 और उसी तरीके से सब वर्ल्ड कप्स की बॉल्स यहाँ पर हैं। ये लास्ट वाला जो अभी कतर में 2022। हम लोग लैब में आए, यहाँ पर एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड वेदर्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर बॉल को टेस्ट किया जाता है इन मशीन्स में। और यहाँ पर मुख्तलिफ बैग्स के टेस्ट और बॉल्स के हो रहे हैं। यहाँ पर एक बैग टेस्ट हो रहा है और यहाँ पर देखें ये बैग हैं, यहाँ पर बॉल्स टेस्ट होती हैं और इस तरफ बैग लटका के बैग। देखें यहाँ पर बहुत ही हाई टेक टेस्टेस होते हैं। यहाँ पर देखें ये राउंड बॉल की राउंडनेस चेक कर रहे हैं यहाँ पर, और वहाँ पर आगे जो है वाटर अपटेक, देखें यहाँ पर वाटर अपटेक टेस्ट हो रहा है। नीचे पानी है इस मशीन में और ऊपर से वो दबा रहे हैं, तो देखें। इससे पहले जब हम डिफरेंट टेस्ट देखे हैं जिसमें बहुत हाईटेक किस्म के टेस्ट जो है वो परफॉर्म हो रहे थे, लाइक जो है हमने वहाँ बैक का देखा टेस्ट, उसके बाद राउंडनेस का टेस्ट देखा, सुफरेसिटी का, इसी तरह हमने वाटर अपटेक टेस्ट, और ये जो यहाँ पर हो रहा है ये अब्रीजन टेस्ट हो रहा है कि अगर प्रोडक्ट जो है लाइक बॉल जो है इफ़ दैट इज़ बीइंग प्लेड उसमें कहीं अग्रेसिव कंडीशन में खेला जा रहा है तो उस पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये फॉरवर्ड का मोनो, फॉरवर्ड का लोगो, इसमें फॉरवर्ड के तमाम कंपनीज के जो है वो लोगोज डिस्प्लेड हैं। अभी आगे हम लोग किस तरफ जा रहे हैं?